भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर राजस्थान में भी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में भी आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा में सभी नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। यह गर्वान्वित करने वाला विषय है कि देश का नेतृत्व करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो गरीबों के मसीहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी लोकसभा की तैयारी की चर्चा होगी और उस चर्चा में सभी विषयों को लेकर के कार्यकर्ता जो सरकार की उपलब्धि है उसको जनता के बीच में जाए, लाभार्थियों से मिले और देश का गौरव बढ़ाने का काम किए हैं, जो हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित करने का काम किए हैं, उसको भी जनता के बीच में लेके जाए। और सभी लोग यही कह रहे हैं, राजस्थान में मोदीमय हो गए हैं, कार्यकर्ता हर्ष उल्लासित है क्योंकि हमारी सरकार बन गई है और एक कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, जिसे सभी कार्यकर्ता अभिभूत है। जो नेता होता है वह कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता नेता होता है, इसलिए अब यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि सभी नेता कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, यही हमारी शक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता अन्य पार्टी में नहीं है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संगठनात्मक बैठ के संगठनात्मक रचना, सेवा कार्य और रचनात्मक काम न सिर्फ चुनावी समय में बल्कि लगातार चलते रहते हैं। कल भी हमारी बैठक थी, आज भी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभारी और पदाधिकारियों की बैठक है, फिर हमारी सोशल मीडिया की बैठक होगी, तो ये लगातार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी आगामी कुछ कार्यक्रम तय हैं।